रहा हूँ। हम तो तैयार हैं, क्या सत्ता तैयार है? मुझे नहीं लगता है कि सत्तारूढ़ दल निकाय चुनाव करवाने का साहस जुटा। जिहादलैंड पर लगातार बयान आ रहा है, उसको लेकर क्या बयान? लोकसभा चुनाव के लिए भी हम बिल्कुल सन्नद हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर सत्तारूढ़ दल से जनता मांगना चाहती है। निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें राज्य स्तर पर बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सर्किल रेट आदि की जो वृद्धि है, बल्कि यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के सीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूं, तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है, और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतजार कर रही है। बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का नौजवान उस मौके की प्रतीक्षा कर रहा है जिन्होंने उसको पिछले 6 साल छला है नौकरी के मामले में, और उनको दिया है केवल पेपर लीक। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, उनका दिल लीक कर दिया, उनके दिल में छेद। और आज भी बेरोजगार नौजवानों को, उनके संगठनों को सरकार की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं है, और वो कह रहे हैं एक बिल्कुल ओवरऑल करके पारदर्शी तंत्र बनाओ परीक्षा। इस तंत्र पर हमको यकीन नहीं, ये उनका नौजवानों का सवाल है। ये उनकी आवाज़ को बंद कराने, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो नंबर दो बेरोजगारी के सवाल है। असहिष्णुता देश में चरम पर है। आज दुनिया में जो असहिष्णु देश माने जाते हैं, जहाँ हिंसा ज़्यादा होती है, उन देशों में अब हमारी गांधी के अहिंसा के महामानव की धरती का नाम भी आ रहा है। गिनती के जो 5-7 ऐसे देश हैं, उनमें भारत का नाम भी लिया जा रहा है। इतना इतने अफसोस की बात है। असहिष्णुता, महिला हिंसा, महिलाओं के प्रति हिंसा के दौर वारदातें बढ़ेगी, निरंतर बढ़ेगी। असमानता ऐसी हो गई है कि एक तरफ अडानी है तो दूसरी तरफ जो है गांव का व्यक्ति जो छोटी छोटी पेंशन, छोटी छोटी आमदनियों पर निर्भर था, उसकी जेब खाली हो गई। गरीब के पैसे का मूल्य घट रहा है। केवल अडानी जैसे 10-15 हजार लोग जो है वो मालामाल हो रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल रिसर्च कह रही है, जैसे संगठन कह रहे हैं उसको, जिनके रिसर्च को यूनो भी मानता है, वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर 37 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, और जिनमें से 24 करोड़ वो लोग हैं जो यूपीए के समय में गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। मतलब 24 करोड़ लोगों को इन्होंने और गरीब बना दिया इन 9 सालों के अंदर। अभी शायद कितना और जोर जाएंगे जाते जाते। तो ये सब सवाल हैं, बहुत सारे और भी सवाल हैं जो सवाल जनता लोकसभा के चुनाव में पूछना चाह रही है। कांग्रेस तो जनता के सवालों का केवल माउथपीस वह है, हम केवल उनको ध्वनित करेंगे, मगर सवाल जनता के हैं, लोगों के सवाल।
उत्तराखंड का एक सवाल और भी है कि हे सरकार महाराज, तुमने चमाचम सड़कों को गड्ढा युक्त सड़कों में क्यों बदल दिया? आप तो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, कुछ ऐसी बंद कर दिया। बिजली जिस उत्तराखंड के अंदर सबसे सस्ती बिजली थी और सबसे अच्छी बिजली थी 2017 में, आज जो है बिजली मिल नहीं रही है, महंगी हो गई है, पावर कट हो रहा है, सब बिजली की हालत और खराब है, नल सब लगा दिए पुराने कांग्रेस के समय की स्कीमों में जोड़ करके लोगों के घर में नल ऐसे बंद हो गया, बच्चे वसूल कर लिए मगर पानी नहीं है। तो ऐसे हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। मैं अभी पहाड़ों से आ रहा हूँ, जो है मंत्री जी कहने लगा मैं 1 करोड़ कुछ दे रहा हूँ, तो पीछे से आवाज़ें आई कि साहब वो 1 करोड़ नहीं, हमको 1 नया पैसा नहीं चाहिए, हमको मास्टर दे दीजिए, मास्टर दे दीजिए। तो ये आज स्कूलों की हालत है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोकसभा का चुनाव प्रत्याशा कर रहा है, और नगर निगम के चुनाव में भी ये बातें उठेंगी। इस डर के मारे मुझे लग रहा है ये नगर निगम। जी, आपका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, इसमें आपने केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सांसद सभी देखे हैं, अब कौन सी महत्वाकांक्षा आपकी बची है? आप समझते हैं ये दिल मांगे मोर। देखिए, आज सवाल किसी महत्वाकांक्षा का, मैंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि मैं किसी पद और पोजीशन के, मगर ये संघर्ष का जो समय जो ये क्षण है वो संघर्ष का क्षण है। तो इसका अर्थ है मैं इन पदों के लायक नहीं था जिन पदों तक मैं पहुंचा। यदि आज मैं संघर्ष से पीछे रहता तो मैं संघर्ष के लिए उत्तराखंड कांग्रेस को भी उपलब्ध हूँ, काशीपुर कांग्रेस को भी उपलब्ध हूँ, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को उपलब्ध हूँ। लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ उसका समय आएगा, उसका निस्तारण पार्टी कर देगी। चर्चा ये भी है नैनीताल सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने कहा ना कि जो है इस समय हमारे सामने सवाल चुनाव लड़ने का नहीं है, हमारे सामने सवाल, हरीश रावत के सामने सवाल संघर्ष का है, और उस संघर्ष के लिए मैं उपलब्ध हूँ। और पहले से ज्यादा देवेंद्र यादव जी पे लगातार काशीपुर में भी हल्ला हुआ, लगातार रुद्रपुर में भी हल्ला हुआ, उसको लेकर क्या कहना? हम भाजपा हैं जिसमें जो है सवाल उठते ही नहीं, अरे लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, उसमें सवाल उठते हैं, मंथन होता है, बातें होती है, फिर समाधान निकलता है। और ये सब देखो करण मेहरा, प्रीतम सिंह, गणेश गुड़ियाल जी, यशपाल जी, मैं यशपाल जी पहले आने चाहिए, यशपाल जी ये सब हमारे ये जो हम ये जो कांग्रेस देवता है तो उसके ये 4 बजाएं जो है कांग्रेस के लिए संघर्ष करें। हम इनके पीछे सब सिपाही हैं, हरीश रावत भी एक सिपाही है, तो उनको उनके पीछे खड़ा है। रावत जी, लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री काफी तत्पर है, उसको लेकर लैंड जिहाद को लेकर भी मुख्यमंत्री के आदेश अतिक्रमण मजारों में जो वन विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है, विधायक जो है उन्होंने उसमें सहमति जताई है। जिहाद करना होगा तो हमको गरीबी के खिलाफ करेंगे, आपने आप करेंगे और बहुत आएगा तो चीन जिसने हमारी सीमाओं को दबा करके रखा है उसके खिलाफ करेंगे। ये कहां क्या जिहाद कह रहे हो, क्या जिहाद? नहीं, इनका कहना यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जब अभी वो आया बयान जिसमें उन्होंने लैंड जिहाद को एक बड़ा खतरनाक वन विभाग की जमीनों पर जो मजार बने हैं, अरे आजकल एक ही चीज कह रहे हैं भाजपा के सब नेता जो है, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, क्योंकि उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सब मजार 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 कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जहाँ जो अवैध है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन लेकिन उसके लिए
जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पानी नहीं मिल रहा है, जंगलों में आग लग रही है, गरीबी अलग है, दूसरे सवाल खड़े हैं, लोगों की पेंशन नहीं मिली है, बच्चों की छात्रवृत्तियाँ नहीं मिली है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोरोना दस्तक देने लग गया है, भाई इनसे मत पूछो, ये तो ऐसा है भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। सड़क में लग गई, घर में बिजली गायब, नल में पानी नहीं, चूल्हे में जलाने अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, सब्जियां इत्यादि इतनी महंगी हो गई, इसलिए सारी भाजपा कह रही है हे मजार तू ही मेरी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, इसलिए आजकल मजार 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 प्रदेश अध्यक्ष जो है समझ गया लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया है, इसका मतलब नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया उस पर, करण मेहरा का, मेहरा का बयान आया कि पहले मंदिरों को, मतलब उन्होंने ये बयान दिया है कि मंदिर भी अतिक्रमण पे बन रहा है जमीन पे, तो मंदिर को भी हटाएगी भाजपा, करण मेहरा का बयान। ये जो लोग जिससे परेशान है, ये बात जिन 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 सवालों को पहले ये तो बताए, मैंने कहा है ना जोरेवार बताए किस साल के कितने, अब एक नई बात कह रहे हैं जनसंख्या संतुलन की, हम कह रहे हैं किस साल में कितने आए भैया, ऐसा संतुलन क्या है, दौरा दे दो पूछा है सर, आपके हाथ में कुछ मुद्दे हैं, क्या मुद्दे देखते हैं क्या ये बताते हैं हम। देखो अब काशीपुर में 8 ऐसे ज्वलंत सवाल है जो काशीपुर की जनता रोज फ्लाईओवर और ओवरब्रिज क्यों नहीं बने, इतनी देर ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी भी अकबर के समय में इतनी देर में बन जाती है, इतनी देर में जो है ये नहीं बन पा रहा है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, तुमने सीतापुर आया तो बंद कर दिया, अरे हॉस्पिटल में बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का जिला स्तर का, उसी में जो है आए डॉक्टर भी रख देते, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है, और दूसरी चीज़ों के भी डॉक्टर नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं हो रही, चीनी मिल के गन्ना किसानों के को आप कुछ नहीं है, 10 रुपया पर क्विंटल बोनस दे दूँ, जब दुनिया में चीनी का रेट इतना बढ़ रहा है, हमारे चीनी के मिल मालिक मित्र जो है वो खूब कमा चुके हैं, तो आप 10 रुपया जो है चीनी में किसानों को केवल 10 रुपया, केवल 10 रुपया नहीं तो 400 रुपया क्विंटल चीनी का मूल्य, गेहूँ का मूल्य ना गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हो तो कम से कम नहीं दे दो, और काशीपुर के चीनी मिल का उसका पैसा बाकी है, तो किसानों को क्यों ललचा रहे हो, कल जब फैसला होगा तो उस समय काट लेना, लेकिन जो किसानों का बकाया है जैसा हमने निर्णय किया था कि किसानों का बकाया राज्य सरकार का, वो कैबिनेट फैसला है, हमारी सरकार चली गई, इसका अर्थ ये थोड़ी सरकार है, तो गवर्नेंस इज अ कंटिन्यूएशन, गवर्नमेंट गई, केवल चेहरा गया, हरीश रावत गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत आया, लेकिन इसका मतलब जो फैसला मंत्रिमंडल का वो तो कायम रहता है, तो उसको उसका उसका आप भुगतान करिए, उसी तरीके से जो यहाँ पर जल निकासी पानी भराव यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है, हमारी कांग्रेस ने यहाँ एक उद्योग लगाए, आज उद्योग बंद हो रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है सब लोगों के लिए, और यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं, अब एक सवाल सर्कल रेट भी बढ़ा रही है जमीन, हालत यह है कोई मध्यम वर्ग का निम्न मध्यम वर्ग का आदमी थोड़ा यदि कुछ बनाना भी चाहे, कोई पैसा वैसा बचा रखा हो तो आप उन्हें मकान नहीं बना, मकान नहीं जमीन भी, सारे सारे सवाल थे काशीपुर के, मैं इनको भी आपकी नज़र करता हूँ, इनको दे दीजिएगा, मैं